तो हेलो गाइस, तो भाई ये है सिग्मा वेरिएंट, यानी कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट है ये। और दूर से देखने पे आपको है तो पता नहीं चलेगा भाई ये सिग्मा है या डेल्टा है या जेटा है या अल्फा है। वो देखिए, वो वाला जेटा खड़ा है और ये सिग्मा है। तो भाई कोई अंतर नहीं है फ्रंट से, सिर्फ अंतर क्या है, ये आपको हेलोजन मिलेंगे इसके अंदर है तो यानी कि येलो लाइट है जो ये निकालेगी। बाकी भाई कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल फ्रंट से आपको सेम चीज़ दिखाई देगी। दूर से अगर एक ही चेंज इसके अंदर आपको मैं थोड़ी थोड़ी जो है ना चेंज वो बताता जा रहा हूँ साथ साथ में। तो इसमें 1400 cc का इंजन मिलेगा साइड तक। और ये देखिए, इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील तो मिलेंगे, सॉरी रिम मिलेंगे, अलॉय व्हील नहीं है, 275/60 R17 के। तो इस पर व्हील कैप लगा हुआ है, प्रिसिशन कट का ही व्हील कैप है जो आपको देखने को मिलेगा इस पर। बाकी देखिए, बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे और यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा है वो नहीं दिया गया है। और देखिए, इंटीरियर के अंदर आपको है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है जो देखिए अलग से लगवाना पड़ेगा मार्केट से, या एसेसरीज में ऐड है जो आप करवा सकते हैं। बकेट सीट है जो भाई काफ़ी गजब की दी गई है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। और एक ये गियर नूब है, इस पर आपको है जो भाई लगवाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी लग्जरी वाली फील है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना रफ सा दिया गया है इसका। बाकी भाई गजब का है, पुश स्टार्ट स्टॉप है जो बटन है वो दिया गया है। तो ये बेस के अंदर पहली बार देख रहा हूँ भी कोई कंपनी है जो फुली लोडेड बेस वेरिएंट है वो दे रही है। और यहाँ पे जगह दी गई, आप इसमें भी ऐड करवा सकते हैं, जो भी कंट्रोल वगैरह है वो आप है जो इसके अंदर ऐड है वो करवा सकते हैं। खुला और सीट वगैरह है वो भी एडजस्टेबल है जो आपको इसमें देखने को मिलेगी ऊपर। और साइड में देखिए, क्लैडिंग देखिए, ब्लैक कलर के अंदर क्लैडिंग भी गजब की है। अब इस बार क्या है कि जैसे फॉरनर कंट्रीज के अंदर गाड़ियां होती है तो उसी प्रकार का सिस्टम है जो इसमें दिया गया है, क्योंकि डिज़ाइन की जो फिलोसफी है ना मारुति सुजुकी की वो भाई गजब की है। देखिए मार्केट में जो इसकी टक्कर में है जो क्रेटा वगैरह है तो उनको पछाड़ने के लिए इस प्रकार का डिज़ाइन है जो पहली बार लेकर आई है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी ये डिज़ाइन है जो चल रहा है। और ये भाई क्या नाम है अपने चैनल का, यूट्यूबर चैत्र मेरा, मुझे सब्सक्राइब करें जरूर भाई, अच्छा ओ भाई अपने चैनल पे लड़कियां बहुत कमाती है, ठीक है। और इस भाई को 6 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करना और 6 साल हो गए भाई, यार सपोर्ट करो यार, यूट्यूबर चैत्र मेरा सब्सक्राइब करें। हाँ एक्टर है भाई मेरा। और देखिए पीछे की साइड में देखिए भाई, इसमें है ना, देखिए बेस वेरिएंट, सिग्मा वेरिएंट कौन कह सकता है इसको। देखिए आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल रही है, वो भी एडजस्टेबल दिए गए हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पे है जो एक ये मिलेगा हैंडरेस्ट मिलेगा। बाकी देखिए एसी वेंट भी दिया गया है पीछे की साइड में। थोड़ा सा इसमें है ना आपको है ना बाहर मार्केट से जो ये क्रोम का लगवा लेना, बहुत गजब का लगेगा भाई। और चार्जिंग के लिए भी दिया गया है सिस्टम साइड तक इसके अंदर, वो भी आपको है जो यहाँ पे लगवाना पड़ेगा बाहर से। बाकी देखिए गजब का है, जो पीछे जगह है वो दी गई है व्हील कैप के साथ में, 17 इंच के है जो स्टील रिम है वो दिए गए हैं आपको, बाहर मार्केट से लगवानी पड़ेंगे या यहीं से एसेसरीज है जो ऐड करवा सकते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड यानी कि माइल्ड हाइब्रिड नेक्सा के अंदर जो आपको मिलेगी। बाकी भाई देखिए यहाँ पे पीछे की साइड में दिया गया है जो भी सिस्टम, हाई माउंट लैंप देखिए और शार्क फिन एंटीना बोलते हैं इसे वो वाला। और ये है ना, ये LED सेटअप है पूरा का पूरा, कनेक्टेड LED सेटअप है जो ब्रेक लाइट वाला वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेलोजन दिया गया है, यहाँ पे आप LED वगैरह है वो करवा सकते हैं। और इसका है जो बूट स्पेस है वो भाई इसके अंदर आपको है जो 373 लीटर का बूट स्पेस है वो देखने को मिलेगा, और 45 लीटर का फ्यूल टैंक है जो दिया गया है इस गाड़ी में। बाकी भाई गजब की गाड़ी है जो कंपनी ने तैयार की है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको है जो एंट्री के समय है वो देखने को मिलेगा भाई। तो ये देखिए पावर विंडो है, टोटल जितनी भी है आप देखना चाहते हैं पावर विंडो मिलेगी, ये देखिए पावर विंडो। और यहाँ पे देखिए भाई कप होल्डर वगैरह, मैं कहता हूँ गजब की है इसके अंदर, की दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए भाई ये इसकी की है। तो भाई 12 वोल्ट 120 वोल्ट वायरलेस नहीं है भाई इसके अंदर, तो वो आप ऐड करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बाकी भाई सॉफ्ट टच इसमें आपको है जो नहीं मिलेगा सिग्मा है, दूर से देखने पे आपको है जो ये लगेगा सॉफ्ट टच है, लेकिन पास में आएंगे ना आप इसको देखेंगे चेक करके तो सॉफ्ट टच नहीं है, ये हार्ड के साथ में है। बाकी 2 एयरबैग जो आपको है देखने को मिलेंगे, बकेट सीट है काफ़ी गजब की है। और ये भी ग्लव बॉक्स है वो कोल्ड नहीं है, सिंपल है। तो भाई गजब का है,
जो खेल कर दिया मारुति ने इस वेरिएंट में। वाइट कलर देखिए कितना गजब का लग रहा है भाई, वाह यार मज़ा आ गया। पहली बार कोई कंपनी ऐसी है जो बेस वेरिएंट के इतने फीचर दे रही है। और ये गाड़ी आपको पड़ेगी जैसे एक्स शोरूम कीमत इसके 10,45,000 है, लेकिन ऑन रोड है जो ये गाड़ी आपको है जो 13,19,000 अभी का टाइम में है जो चल रही है। प्राइस चेंज हो सकती है गाइज, तो मैं ये नहीं कहता कि प्राइस है जो इनके है जो स्टेबल नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ज़रूर आप अपने जो पास में नेक्सा का शोरूम है उस पर जा सकते हैं। और भाई एक्टर है पूरा ये बड़ा बंदा है जो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।